हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डिग्री। डिग्री होते हैं थ्री टाइप्स के। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है कंपरेटिव और तीसरा होता है सुपरलेटिव। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं पहले, फिर डेफिनेशन देखेंगे। ऐसे एग्जांपल है, पहला मोहन इज ए गुड बॉय, दूसरा है मोहन इज बेटर देन रमेश, तीसरा है मोहन इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। अब हम देख लेते हैं इसके बारे में कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। पॉजिटिव डिग्री में क्या है, इसमें केवल व्यक्ति के साधारण गुण का बोध होता है। जैसे देखिए, मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है, तो इसमें क्या है, व्यक्ति केवल साधारण गुण का ही बोध हो रहा है, तो क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है। अभी अच्छे से समझ में आएगा जब हम देखते हैं कंपरेटिव डिग्री के बारे में। कंपरेटिव डिग्री का मतलब होता है इसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना होती है। तुलना मतलब होता है कंपेयर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मोहन इज बेटर देन रमेश। यहाँ पे मोहन और रमेश के बीच में क्या हो रही है, तुलना हो रही है, तो क्या है, मोहन रमेश से अच्छा है। तो जहाँ पर कंपरेटिव होता है, कंपेयर यानी कि तुलना हो रहा है, वहाँ पर होता है कंपरेटिव डिग्री, जिसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना होती है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि इसमें क्या है, इसमें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति या वस्तु की संकेत होता है। जैसे कि मोहन इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, मोहन अपने क्लास का सबसे अच्छा विद्यार्थी है, सॉरी विद्यार्थी नहीं लड़का, मोहन अपने क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। तो इसमें क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति या वस्तु की संकेत होता है। एक और नोट देख लेते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में पहले द तथा बाद में ऑफ लगाते हैं। जैसे देखिए, ये बेस्ट के पहले द लगा है और इसके बाद क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। एक बार दोबारा देखते हैं, डिग्री होता है तीन प्रकार का। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपरेटिव, तीसरा सुपरलेटिव। ये जो गुड है ये पॉजिटिव डिग्री है, बेटर है ये कंपरेटिव है, ये बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव है। अब इसमें देखते हैं कि पॉजिटिव, कंपरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के रूल। जो पहला रूल है, जैसे ये है फास्ट, FAST, तो इसके हम इसको कंपरेटिव बनाने में हम लास्ट में ईयर लगा देंगे, तो क्या हो गया, ये फास्ट का हो गया फास्टर। फास्ट मतलब होता है तेज, अब फास्ट मतलब हो गया उससे तेज, ईयर लगाने से हो गया। और सुपरलेटिव में लगा देंगे हम EST, तो बन गया ये फास्टेस्ट। फास्ट मतलब तेज, फास्टर मतलब उससे तेज, फास्टेस्ट मतलब हो गया सबसे तेज। और अगला है टाल, टाल मतलब होता है लंबा, इसमें अगर लास्ट में ईयर लगा देंगे तो बन गया टालर, यानी कि ये कंपरेटिव में यूज होगा। और EST लगा देंगे तो ये हो गया सुपरलेटिव। टाल मतलब होता है लंबा, अटालर मतलब उससे लंबा, अटालेस्ट मतलब सबसे लंबा। अगला देखते हैं LARG, लार्ज मतलब होता है बड़ा, लेकिन अब क्या है, इसके लास्ट में पहले से ई है। जैसे क्या था, इसमें हम ER लगा के कंपरेटिव बनाते थे, इसमें पहले से ई है, तो क्या करेंगे, इसके पीछे हम सिर्फ R लगाएंगे। R लगाने से क्या हो गया, ये कंपरेटिव हो गया। जैसे कि लार्ज मतलब बड़ा, लार्जर, इसमें सिर्फ R लगा देंगे तो हो गया लार्जर, यानी कि उससे बड़ा। और EST सिर्फ लगाने से, नहीं सॉरी, सिर्फ ST लगाएंगे, सिर्फ ST लगाने से क्या हो गया, ये लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा। लार्ज मतलब बड़ा, लार्जर मतलब उससे बड़ा, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा। ऐसे ही वाइज में सिर्फ R लगाने से बन जाएगा ये कंपरेटिव, और ST लगाने से ये बन गया ये सुपरलेटिव। अब हम तीसरा देखते हैं, जहाँ जैसे कि HAPPY, हैप्पी में क्या आ रहा है, ये लास्ट में Y आ रहा है, तो क्या करेंगे, Y को हटाकर I में बदलने से इसका कंपरेटिव बनाएंगे। जैसे कि देखते हैं, हैप्पी में क्या हो गया, ये Y हटा के ये लग गया I, और ER तो लगेगा ही, तो हो गया ये हैप्पियर। हैप्पी मतलब खुश, और हैप्पियर मतलब उससे खुश, और हैप्पीएस्ट मतलब सबसे खुश। इसमें क्या हो गया है, ये वाई हटा के आई लग गया है, और EST तो सुपरलेटिव लगाएंगे ही। अगला देखते हैं HOLY, होली,
इसमें y को हटा के लगा देंगे y के जगह पे i, और er लग के क्या हो गया, ये कंपरेटिव बन गया, ये हो गया होलियर। और इसमें क्या है, जैसे कि y को हटा के i लगा देंगे और est तो रहेगा ही, तो इससे क्या हो गया, ये सुपरलेटिव बन गया। दोबारा देखते हैं, होली मतलब पवित्र और होलियर मतलब होता है उससे पवित्र। ये y हट के ये i लग गया और er तो कंपरेटिव लगता ही है, और इसमें y हट के i लग के फिर est लग गया, ये हो गया सुपरलेटिव। अब हम देखते हैं अगला चौथा जो है, जैसे कि बिग, बिग मतलब होता है बड़ा, तो यहाँ पे जो जी है ये क्या है, कंसोनेंट है कंसोनेंट है, और अगर कंसोनेंट से पहले कोई वोवेल्स हो यानी कि ये आई है, तो क्या होगा, ये जो कंसोनेंट है ये डबल हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा, ये बी आई जी है तो बिगर ये डबल हो जाएगा इसका कंपरेटिव। देखिए ये हो गया डबल जी ई आर, यहाँ पे डबल जी ई एस टी हो गया, बिग मतलब बड़ा, बिगर मतलब उससे बड़ा, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा। जब यहाँ पे कंसोनेंट से पहले वोवेल हो तब ये जाके कंसोनेंट डबल होता है। एक और समझते हैं, जैसे कि एच ओ टी होट, लास्ट वाला क्या है, ये कंसोनेंट से, कंसोनेंट से पहले क्या है, वोवेल्स है, तो कंसोनेंट से पहले अगर वोवेल हो तो ये कंसोनेंट सुपरलेटिव और कंपरेटिव में डबल होता है। जैसे देखिए ये हो गया होटल, ये हो गया होटेस्ट, ठीक है। एक बार ये दोबारा देखते हैं, अगर कंसोनेंट से पहले वोवेल हो तो कंसोनेंट डबल हो जाता है और ईआर लग के कंपरेटिव बन जाएगा, तो यहाँ पर कंसोनेंट डबल होके ईएसटी लग के सुपरलेटिव बन जाएगा। ये होट मतलब होता है गर्म, होटल मतलब उससे गर्म, होटेस्ट मतलब सबसे गर्म, यानी कि हम देखते हैं पॉजिटिव में तो कुछ नहीं लगता है, कंपरेटिव में ईआर लग के बनता है, सुपरलेटिव में ईएसटी लगाकर हम इसको सुपरलेटिव बनाते हैं। जहाँ पे हम कंपरेटिव और सुपरलेटिव में ईआर और ईएसटी नहीं लगाते हैं उसमें क्या है, मोर और मोस्ट लगाने से ही कंपरेटिव और सुपरलेटिव बन जाता है। जैसे कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, इसका अगर कंपरेटिव बनाना है तो इसके आगे मोर लगाने से ही ये कंपरेटिव बन गया, मोर ब्यूटीफुल, और इसके आगे मोस्ट लगाने से क्या हो गया, ये सुपरलेटिव बन गया। ब्यूटीफुल का होता है कंपरेटिव मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव होता है मोस्ट ब्यूटीफुल यानी कि अत्यधिक सुंदर। अगला है डिफिकल्ट मतलब कठिन, डिफिकल्ट का कंपरेटिव आने के लिए आगे मोर लगा देंगे, ये हो गया ये मोर डिफिकल्ट, और सुपरलेटिव के लिए लग गया मोस्ट डिफिकल्ट। इसमें ई आर नहीं लगाते हैं और ई एस टी नहीं लगाते हैं, सिर्फ मोर और मोस्ट लगाने से ही इसका सुपरलेटिव और कंपरेटिव बन जाता है।